हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं HAP का चैप्टर नंबर 12 और आज का हमारा टॉपिक है सेंस ऑर्गन्स। तो इसमें हम लोग सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आई के बारे में, जो हमारी आँख है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है? एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना है। तो ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो कि 2D में है। 3D में जब अगर दिखता तो आपको और क्लियरली सारी चीज़ें दिखेंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन चूंकि स्ट्रक्चर इसका पूछता है तो आपको बनाना तो 2D में ही बनाना है, ऐसे ही आपको बनाना है। तो इसी तरह पहले आपको ये देखना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। 3D में आप चीज़ें समझ तो लेंगे लेकिन 3D में बना नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं? तो ये जो आपको दिख रहा है, ये इतना, ये वाला जो है ये होता है आपका, क्या कहते हैं, आयरिस, समझ रहे हैं? ये क्या है? आयरिस है। इस आयरिस यानी जो ये हमारा काला वाला दिखता है ना आगे से, ऐसे गोल सा काला वाला, वो है ये। और उसी के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब जो एकदम वाइट वाइट सा है, बिल्कुल कलरलेस है, कि ऐसे मैं आपको दिखाऊं तो ऊपर से दिखे ना, समझ रहे हैं ना? जैसे इसके ऊपर मैं एक प्लास्टिक चिपका दूं या सफ़ेद टेप चिपका दूं तो वो दिखता नहीं है ऊपर से। ऐसे ही समझिए, इसके ऊपर एक क्या है, पतली सी झिल्ली, वो कोई पतली नहीं है, देख रहे हैं, इतनी मोटी सी एक झिल्ली है जो कि ट्रांसपेरेंट है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया, समझ रहे हैं? काला सा जो दिखता है वो ये है, समझ रहे हैं? और इसके बीच में काला सा दिखता है यहाँ पर, ये होता है हमारा पुपिल, समझ रहे हैं? ये कोई चीज़ नहीं होती है, जो पुपिल है ये कोई मतलब कोई मसल्स या कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक होल है, समझ रहे हो ना? जो इस आयर, जो हमारा ये काला वाला हिस्सा होता है जिसको आयरिस बोलते हैं, इसी के बीच में आपको क्या कहते हैं, दिखता है काला काला सा, तो एक तरीके का होल होता है। जैसे ये होल है, अगर इधर से लाइट रिफ्लेक्ट ना हो तो आपको ये काला दिखेगा, समझ रहे हो? दिख रहा है? अभी जब मैं इसको बंद कर दूँ तो ये काला दिख रहा है। तो ऐसे ही क्या होता है, पुपिल है, एक होल होता है और इसी के रास्ते से लाइट जाती है और इस लेंस पर पड़ती है। ये क्या है? लेंस है। और उसी से क्या होती है, लाइट यहाँ लेंस पे पहुँचती है और फिर यहाँ से लेंस से होकर रेटिना पे लाइट पहुँचती है और फिर क्या होता है, रेटिना से क्या कहते हैं, कलेक्ट होती हैं सारी चीज़ें और यहाँ से फिर क्या होता है, ये हमारा ऑप्टिक नर्व है और वहाँ से फिर कलेक्ट किया जाता है, उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। ट्रांसमिट मतलब ये कि यहाँ से लाइट आ रही है तो उसको इम्पल्सेज में कन्वर्ट किया जाता है रेटिना के थ्रू। ये जो वाली लेयर होती है ये रेटिना की लेयर होती है, समझ रहे हैं? तो ये रेटिना का काम होता है कि जो लाइट की रोशनी आ रही है उसको कन्वर्ट करे इम्पल्सेज के अंदर, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेज या इलेक्ट्रिक मैसेज के अंदर, और उसको इलेक्ट्रिक मैसेज को कन्वर्ट करके वो फिर क्या कहते हैं, ये जो हमारा ऑप्टिक नर्व होते हैं उसके थ्रू क्या है, उनको ब्रेन तक भेजा जाता है और फिर वहां से उसको क्या कहते हैं, एक मतलब इमेज दिया जाता है कि अच्छा ये चीज़ है, ये समझ रहे हैं? तो इसमें और ज़्यादा आपको डीपली नहीं जाना है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो आपको याद रखना चाहिए। तो ये आपका सबसे ऊपर वाला हो जाता है कॉर्निया, फिर उसके बाद ये नीचे आयरिस, और ये वाला एरिया जो होता है, जो एक होल है, एक ओपनिंग है, ये होता है पुपिल, उसके नीचे होता है लेंस, और ये होता है आपका सिलियरी मसल्स जो इस लेंस को पकड़ के रखते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर लेंस को कभी खींचा भी जाता है, कभी सुकड़ाया भी जाता है। जब हम दूर की चीज़ें देखते हैं तो लेंस को क्या किया जाता है, खींच दिया जाता है, और जब करीब की चीज़ें देखते हैं उसको सुकड़ाया जाता है। तो ये कौन करता है, इसकी वजह से होता है, यानी इसकी वजह से इसका थिकनेस बढ़ता और घटता है लेंस का। और यहाँ पे एक तरीके का लिक्विड भरा रहता है, और क्या, और ये जो आपको दिख रहा है ये इतना बड़ा सा, ये सारा क्या होता है, एक तरीके का गाढ़ा लिक्विड होता है। क्या होता है? गाढ़ा लिक्विड, उसको बोलते हैं हम लोग विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर। ऐसे यहाँ पे भी एक लिक्विड होता है जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बल्कि पतला, क्या कहते हैं, मतलब कम विस्कस होता है, उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। चूंकि ये कम गाढ़ा होता है, वाटरी ज़्यादा होता है, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है। और इसमें क्या देखना आपको, ये वाली जो लेयर होती है, ये वाली, इसको बोलते हैं कोरोइड। तो इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं जो न्यूट्रिशन वगैरह पहुंचाते रहते हैं, समझ रहे? इसके अलावा इसमें भी आते हैं ब्लड वेसल्स, यहाँ तक आते हैं, लेकिन इसमें पूरा मतलब ब्लड वेसल्स रहते हैं जो न्यूट्रिशन पहुँचाते रहते हैं, ऑक्सीजन पहुँचाते रहते हैं। और ये बाहर वाली जो लेयर होती है इसको बोलते हैं स्क्लेरा। ये समझ रहे? जैसे कि आँख है तो हमारी बाहर से ऐसे इतनी दिखती है, ये समझ रहे? ये वाला पोर्शन दिखता है, तो ये सफ़ेद सफ़ेद सा दिखता है ना, ये साइड में ये सफ़ेद सफ़ेद सा जो दिखता है वो वाला होता है स्क्लेरा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही सामने ही रहता है बल्कि पूरी आँख को ऐसे ढका रहता है, समझ रहे? आँख पूरी गोल सी है, चारों तरफ से उसको ढका रहता है, तो एक स्ट्रक्चर भी देने का काम करता है ये, समझ रहे? इतनी चीज़ें आपको ध्यान देना और ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको आपने ऐसे तो देखा 2D के अंदर, अब हम देखते हैं 3D के अंदर इसको, कि ये 3D में कैसा दिखता है, थोड़ा आपको मज़ा आएगा, चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी।
ये है आपकी आंख, जो ऐसे हम लोग देख रहे हैं ना, ये आंख है। इसमें से ऊपर से कुछ चीज़ों को काट दिया गया है, तो इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इसको थोड़ा सा घुमा के देखो, ये ऐसे गोल सी है आंख, पूरी बॉल की तरह दिख रही है। ये पूरी ऐसे गोल से, ऐसे ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्लैट सी हो, पूरी गोल से ऐसे चारों तरफ से है। ये है स्क्लेरा। ये क्या है? स्क्लेरा आपको थोड़ा सा ऐसे दिख रहा होगा, लिखा होगा, तो ये आपका क्या है? स्क्लेरा है आपका और मेरा भी। और ये जो हम लोग कह रहे थे ना, यहाँ से निकलता है ऑप्टिक नर्व, तो ये ऑप्टिक नर्व्स निकल रहे हैं, समझ रहे हैं ना? ये मसल्स हैं जो पकड़ के रखते हैं इनको, ये दिख रहा है ना, ये मसल्स। तो मैंने आपको बताया था कि इधर साइड में मूवमेंट कराने के लिए मसल्स होता है, तो वो होता है लेटरल रेक्टस, जो मूवमेंट कराने में, आंखों को घुमाने में काम करता है। ये मसल्स हैं ये। अब इसमें हम लोग और देखते हैं ये आगे से, तो ये जो है ये स्क्लेरा हो जाता है हमारा, जो सफ़ेद वाला होता है। उसके अलावा ये आपको काला वाला दिख रहा है ना, ये काला वाला डायरेक्टली नहीं है, समझ रहे? इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट एक समझिए कि लेयर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉर्निया, समझ रहे? ये काला नहीं है, कॉर्निया। इसको कॉर्निया को हटा देते हैं हम, ये हटा दिया हमने। अब इसके नीचे आएगा आपका आयरिस, समझ रहे हैं? ये जो काला वाला है, तो उस काले वाले के ऊपर से हमने एक लेयर हटा दी। अब इस आयरिस को भी अगर हम हटा दें, तो इसके नीचे क्या है? तो यहाँ पे एक मसल्स होता है, समझ रहे हैं? इसको भी हमने हटा दिया, ये आयरिस को। अब ये क्या है? इसको बोलते हैं, अब इस वाले को हम लोग बोलते हैं पुपिलरी डायलेटर। पुपिलरी डायलेटर ये पुपिल को डायलेट करता है, यानी साइज को बढ़ाता है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये बीच में हिस्सा, समझ रहे हैं? ये जो वाला आपको काला सा दिख रहा है, ये कोई चीज़ नहीं है, ये खाली जगह है, समझ रहे हैं? अभी मैं इसको भी हटा देता हूँ, इसको हटाऊंगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा सिर्फ लेंस। इसको भी हटा दे, ये खाली जगह कुछ है नहीं। अब ये लेंस दिख रहा है ना, ये वाइट वाला आपका पूरा लेंस है, और यहीं पे आके क्या कहते हैं आपके, मतलब लाइट आके पड़ती है, ये पूरा लेंस होता है, समझ रहे हैं? तो चूंकि ये आयरिस को हमने, जब यहाँ पे आयरिस होता है तो ऐसे गोल सा आयरिस होता है, तो बीच में जो होल होता है उसी होल को बोलते हैं पुपिल, समझ रहे हैं? अब यहाँ पे पुपिल आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि वो आयरिस को हटा दिया गया, तो अब होल वो बन नहीं रहा है बीच में, समझ रहे? तो इसलिए यहाँ पे आपको वो दिखेगा नहीं। ऐसे कुछ मसल्स और भी होते हैं, लेकिन वो सब में जाना नहीं आपको इतना। अब ये देखिए, अगर मैं हम इसको स्क्लेरा को हटाते हैं, तो ये सबसे बाहरी लेयर होती है, ये स्क्लेरा, ये स्क्लेरा है, ये सबसे बाहरी लेयर। इसको हटाएं तो इसके नीचे क्या है? तो इसके नीचे ये होता है आपका कोरोइड, जो मैंने दिखाया आपको ना, तो ये चारों तरफ से ऐसे फैले रहते हैं। कोरोइड होता है जिसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं, न्यूट्रिशन वगैरह लेके आते रहते हैं, ऑक्सीजन आता रहता है, और जो वेस्ट यहाँ से निकल रहा है यानी एनर्जी बनने के बाद में, उसको यहाँ से ले जाया जाता है वापस। इसको भी हटाते हैं हम लोग, तो इसके नीचे आता है हमारा रेटिना। ये है रेटिना हमारा, और रेटिना का काम क्या होता है कि जो असल में यहाँ पे इमेज बनता है, और इमेज क्या बनता है? इम्पल्सेस बनते हैं और उसको भेजा जाता है, फिर उसके बाद क्या, तो वहाँ से मैसेज आता है, तब हमको कोई चीज़ दिखती है, इमेज बनता है, समझ रहे? तो ये आपका पूरा क्या कहते हैं इसका, तो ये आपका क्या कहते हैं पूरा आपने एनाटोमी देख लिया इसका। चलिए इसको हटाते हैं हम लोग, तो समझ में आ गया। इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसकी फिजियोलॉजी तो आपको तकरीबन समझ में ही आ गया होगा। कॉर्निया क्या है? तो ट्रांसपेरेंट, तो कॉर्निया के बारे में हमने देखा, तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, जो मैंने आपको बताया ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और आयरिस जो होता है, ये कलरफुल एक पार्ट होता है, किसी का बिल्कुल ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, अलग अलग, किसी का ब्लू होता है, अलग अलग कलर का होता है, समझ रहे? तो जो क्या कहते हैं पुपिल के अराउंड होता है, और यही समझिए इसी की वजह से बीच में जो खाली जगह बनती है, जो क्या कहते हैं मतलब पुपिल बनता है, और यही रेगुलेट करता है कि कितना अमाउंट में आई के अंदर लाइट को भेजना है, समझ रहे हैं ना? यानी कि लेंस पे कितना अमाउंट में भेजना है लाइट को, ये रेगुलेट करता है, और ये पुपिल के साइज़ को एडजस्ट करता है, कम ज़्यादा करता है। ये एक क्या कहते हैं होल होता है पुपिल जो है। लेंस क्या है? तो ये क्लियर और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, एक चीज़ है जो कि फ्लेक्सिबल होता है और क्लियर होता है, यानी ट्रांसपेरेंट होता है। और ये कहाँ पर होता है? तो आयरिस के नीचे, बल्कि आयरिस के नीचे भी एक होता है पैपिलरी, उसके नीचे होता है ये, समझ रहे हैं? जो हमारा लेंस है, और इसका क्या है सिलेरी मसल्स से ये जुड़ा रहता है, और इसको कम ज़्यादा किया जाता है, जैसे कि चीज़ों को दूर और नीचे क्या होता है पास का देखना है। उसके बाद आता है आपका रेटिना, तो ये क्या होता है कि इनर मोस्ट पार्ट होता है, सबसे अंदर वाली लेयर होती है, मैंने आपको दिखाया, समझ रहे हैं ना? और ये क्या करता है, इट हैज़ हाई सेंसिटिव सेल, इसके पास कहते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सेल होते हैं, जिसको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं? फोटो रिसेप्टर्स, जिसको आप रोड एंड कोन भी कह सकते हैं, जिसके पास में सेल होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, रोड्स एंड कोन्स,
इसके पास सेल होते हैं, आप उनको कह सकते हैं कि फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये जो रॉड होता है ये डिटेक्ट करता है लाइट को और मोशन को, समझ रहे हैं। रॉड और कोन दो तरीके के स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं रेटिना के अंदर। तो जो रॉड्स होते हैं वो लाइट को डिटेक्ट करते पहचानते हैं, और जो कोन्स होते हैं वो कलर को, मतलब क्या कहते हैं, डिटरमाइन करते पहचानते हैं उसको। रेटिना कन्वर्ट्स लाइट सिग्नल्स इंटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज, और रेटिना जो है वो क्या कर रहा है, अब ये इन्होंने डिटेक्ट कर लिया, तो अब जो हमने लाइट के सिग्नल्स मिले थे, समझ रहे हैं, एक तरीके से उसको क्या किया इसने, इम्पल्सेस के अंदर, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के अंदर यानी इलेक्ट्रिकल मैसेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया, दैट आर सेंट टू ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व, और फिर उनको ऑप्टिक नर्व के थ्रू क्या है, ब्रेन के पास में भेज दिया जाता है। अब ऑप्टिक नर्व्स क्या है, तो जो इस इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं, इस क्लेरा आपको समझ में आ गया, समझ रहे हैं। कोरोइड ये भी आपने पढ़ लिया, ब्लड वेसल्स वगैरह वहाँ पे होते हैं। आपने एक्वस और विट्रस ह्यूमर्स के बारे में पढ़ लिया, समझ रहे हैं, सिलियरी बॉडी के बारे में पढ़ लिया, तो ये सारी इसकी फिजियोलॉजी है। दूसरा जो है सेंस ऑर्गन हमारा वो है ईयर, और ईयर को मैंने अभी रिसेंटली ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के अंदर पढ़ाया था, तो उसको मैं सीधा यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, हम लोग चीज़ों को सुनते हैं तो उसकी क्या फिजियोलॉजी है उसको बताना है। अब ये हियरिंग का प्रोसेस कहाँ पे होता है, हमारी आंखों से तो होता नहीं है, कान से होता है, समझ रहे ना। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ईयर हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये जो हमारा कान है ना, इसका कई बार स्ट्रक्चर पूछ लेता है, तो ये डिवाइड होता है थ्री मेन पार्ट्स के अंदर। एक होता है आउटर ईयर, समझ रहे हैं, एक बाहरी कान होता है, ये इधर का जो है वो क्या है आपका आउटर है, समझ रहे हैं ना, ये इधर वाला आउटर है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है ये आपका मिडिल ईयर होता है, और उसके बाद होता है इनर ईयर, ये सबसे अंदर वाला ये इनर ईयर होता है इधर वाला, समझ रहे हैं। अब ये क्या कहते हैं, इसमें क्या प्रोसेस, मतलब इसकी क्या कहते हैं, हियरिंग का मैकेनिज्म क्या है, या इसका प्रोसेस क्या है, फिजियोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा पिन्ना वाला एरिया है, इसके अंदर हवा आती है, एयर आया तो उसको अंदर भेजा जाता है, समझ रहे हैं ना। और इसको जो बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल, और यहीं पे होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। क्या होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, एयर जो भी आया, साउंड जो भी आया, समझे, जो भी साउंड आता है तो वो एयर के थ्रू ही आता है, समझ रहे हैं। इस पे आता है तो यहाँ पे क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, हवा आई, कोई भी मैं बोल रहा हूँ आपके कानों में आवाज़ पहुँच रही है, तो जाके टकरा रही है कहाँ पे, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से। अब ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ये तीन हड्डियों के साथ में तरीके से जुड़ा रहता है, बल्कि देखा जाए तो सीधे जुड़ा रहता है मेलियस से, किससे, मेलियस से जुड़ा रहता है। और ये क्या कहते हैं, तीन हड्डियाँ होती छोटी छोटी सी, उसके बाद दूसरी हड्डी होती है इनकस, और तीसरी होती है स्टेप्स, समझ। तो ये जब इससे, इस पर क्या कहते हैं, जब वाइब्रेशन होता है तो वो वाइब्रेशन इस पर जाता है, इनमें ट्रांसफर होता है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, और इस तरीके से वो वाइब्रेशन पहुँच जाता है इनर ईयर के अंदर, यानी कान के सबसे अंदर वाले हिस्से में हमारा क्या कहते हैं, जो ये क्या कहते हैं, जो वाइब्रेशन बना था अभी यहाँ पे किसी साउंड के रिस्पॉन्स में, किसी साउंड के आने की वजह से वो पहुँच गया कहाँ, कान के अंदर। और ये जो तीन हड्डियाँ होती हैं इनको बोला जाता है ऑडिटरी ओसिकल्स, क्या बोलते हैं, ऑडिटरी ओसिकल्स। ये सारी बातें आगे लिखी हुई हैं, आप उसका अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, आप ये देख रहे हैं एक इधर नीचे जा रही है ये पाइप जैसा, इसको बोलते हैं एस्टेकियन ट्यूब, क्या बोलते हैं, एस्टेकियन ट्यूब। अगर इसमें हवा का प्रेशर ज़्यादा आ जाए तो उसको इधर अंदर ना जाने देता है, ये इसको क्या करता है, थ्रोट मिला के निकाल देता है, ये आता हमारे बैक ऑफ थ्रोट में, समझ रहे हैं, यहाँ से ये आके और हवा को बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से एयर प्रेशर को मेंटेन किया जाता है, सोच रहे हैं, ये अपने आप डेवलप होने वाली चीज़ें नहीं हैं, समझ रहे, ये कुछ लोग कहते हैं ना आदमी अपने आप से बन गया, अपने आप से नहीं बना, इसको बहुत क्या सोच समझ के बनाया गया है, समझ रहे। हम इंसानों को ऐसे नहीं कि अपने आप से बनता चला गया, अपने आप से बनने वाली चीज़ है ये, कि मतलब हवा का प्रेशर आ रहा है तो वो क्या कहते हैं निकल जा रहा है इधर, ज़्यादा अंदर ना जाए वरना पता चल रहा है कि बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट हो जाएंगी, आदमी की हेयरिंग लॉस हो जाए। तो यहाँ पे होता है कोकिला, क्या होता है, यहाँ पे होता है कोकले, समझे, कोकली भी बोलते हैं इसको। और इस कोकली के अंदर होता है कोर्टी, क्या होता है, कोर्टी, उसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है और वहाँ पे फ्लूइड भी होता है। अब ये जो वाइब्रेशन इसके अंदर जाता है और फिर पहुँचता है कोर्टी के अंदर, वहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पहुँचता है तो वो क्या होता है, कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के अंदर। किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को क्या कहते हैं, जो ऑडिटरी नर्व्स हैं या आप कह सकते हैं जो नर्व हैं, वो उनको लेके जाते हैं ब्रेन तक, फिर वहां पे जाके उसकी प्रोसेसिंग होती है, डीकोडिंग होती है, फिर आदमी समझता है कि क्या बात
कही गई है, मैं इतना बोल रहा हूँ, एक भी शब्द बोल रहा हूँ, तो उन सब के साथ में ये सारा प्रोसेस हो रहा है, आपके ब्रेन तक बात पहुँच रही है, फिर वहाँ से आपको बताया जा रहा है, आप समझ पाते हैं कि इसने क्या बोला है, समझ रहे हैं। और फिर वहाँ से ये भी पता लगाया जाता है कि किसने ये बात बोली, चूँकि हमारे ब्रेन में मेमोरी सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ों को मतलब मेमोराइज कर लिया जाता है। अब मैं भी, आप मेरी आवाज़ चाहे मुझे देखें चाहे न देखें, सुनेंगे तो आप फौरन कहेंगे हाँ एस आर फार्मेसी वाले सर के हैं, उनकी आवाज़ है, तो वो सारा कुछ होता है। तो यहाँ से क्या कहते हैं, जो कॉर्टी है वहाँ से क्या कहते हैं, वो इम्पल्सेस को रिसीव किया जाता है ऑडिटरी नर्व्स के जरिए से, और फिर वहाँ भेजा जाता है कहाँ पे, ब्रेन के अंदर। तो ये पूरा आपका हियरिंग का प्रोसेस होता है, ये इसकी फिजियोलॉजी है। तीसरा जो है हमारा वो है स्किन। क्या है स्किन? स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर सबसे साइज में बड़ा, समझ रहे हैं ना, साइज में सबसे, वजन में नहीं, काम में नहीं, साइज में सबसे, चूंकि पूरी बॉडी में फैला हुआ है, समझ रहे हैं, तो सबसे बड़ा ऑर्गन होता है और ये कई सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, समझ रहे हैं ना। और ये क्या कहते हैं, सेंसरी ऑर्गन के तौर पे भी काम करता है, प्रोटेक्शन वगैरह तो देता ही देता है, सेंसरी ऑर्गन के तौर पे भी ये क्या है, काम करता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, तो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इसके लेयर तो कई सारे होते हैं, लेकिन मेनली तीन लेयर में हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो सबसे जो ऊपर वाली लेयर होती है, समझ रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। और उसमें भी ना ये है हमारी एपिडर्मिस, ये एक ऊपर एक और लेयर होती है जिसको डेड सेल कहते हैं, समझ रहे हैं ना, एक लेयर होती है उसके जो सेल माने जाते हैं कि वो डेड होते हैं पूरी तरीके से, वो मतलब क्या कहते हैं, जिंदा नहीं होते पूरी तरीके से, लाइव नहीं होते हैं वो, तो लेकिन आप पूरे को इतने को मानिए, क्या होता है ये, क्या है आपका एपिडर्मिस है। क्या है? एपिडर्मिस। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो ये लेयर दिख रही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर होती है, इसको बोलते हैं डर्मिस या डर्मा, समझ रहे, क्या बोलते हैं, डर्मिस या डर्मा। और क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछा जाता था कि कौन सी लेयर है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसके अंदर नर्व्स होते हैं, और जिसके अंदर से हेयर क्या कहते हैं निकलते हैं, यानी हेयर बल्ब होता है, जो कहाँ से हेयर निकलते हैं असल में, जहाँ उसकी जड़ होती है, समझ रहे। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी हैं, यहाँ पे नर्व्स भी होते हैं आपके, और यहीं से क्या है, बल्ब भी निकलते हैं, और यहीं से क्या है, जो हेयर निकलते हैं, जो जिसको बोलते हैं रोंगटे, तो वो कहाँ से निकल रहे हैं, वो इसी वाले लेयर से निकलते हैं। और फिर इस लेयर वाले के नीचे होती है एक हाइपोडर्मिस, और सबसे नीचे होती है सबक्यूटेनियस लेयर, लेकिन हम इन दोनों को मिला के ही पढ़ लेते हैं, सबक्यूटेनियस लेयर, समझ रहे हैं। ये वाला जो होता है असल में ये होता है एडिपोज, एडिपोज टिश्यू होते हैं, यानी फैट सेल हैं ये, क्या होता है, फैट सेल। आदमी मोटा होता है ना, तो यही वाली लेयर क्या होता है, बढ़ती जाती है, और आदमी ज़्यादा मोटे जो लोग होते हैं उनकी ये फैट एडिपोज टिश्यू जो होते हैं उनमें, वहाँ पे क्या कहते हैं, फैट जमा होता रहता है। और फैट जमा भी कहाँ से होता है, ये होता है ग्लूकोज से। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर आदमी ज़्यादा फैट खा रहा है तो उसकी वजह से फैट जमा हो रहा है, उसका भी इफेक्ट होता है, लेकिन लेकिन जो ग्लूकोज हम लोग ज़्यादा खाते हैं ना, यानी जो ग्लूकोज हम लोग खा रहे हैं उसको ग्लाइकोजन बनाया जाता है, उस ग्लाइकोजन को इसके अंदर स्टोर किया जाता है, और जितना ज़्यादा स्टोर किया जाता रहता है ये इतना फूलता रहेगा, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से भी क्या है, ये आदमी को मोटा करता है, इसलिए कहते हैं कई बार लोग मीठा खाने से आदमी मोटा होता है, तो कैसे होता है, इस तरीके से होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है और फिर यहाँ पर स्टोर किया जाता है, समझ रहे हैं। तो ये आप इसको पूरे को एक लेयर मान लीजिए, सबक्यूटेनियस लेयर, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं हाइपोडर्मिस लेयर या एडिपोज लेयर इसको कह सकते हैं, और इसको सबक्यूटेनियस लेयर कह सकते हैं, लेकिन तीन लेयर आप मेनली इसको मानेंगे, समझ रहे हो, और ये तीनों यहाँ पे लिखे हुए हैं। आगे हम लोग इसका फंक्शन पढ़ते हैं कि स्किन का फंक्शन क्या होता है, तो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, एक तो ये हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि इसके लेयर बताइए और उसके फंक्शन बताइए, समझ रहे हैं, स्किन के, तो हमको प्रोटेक्शन देता है, एंड इसके अंदर क्या होते हैं, सेंसरी नर्व्स होते हैं और रिसेप्टर्स होते हैं विच रिसीव डिफरेंट सेंसेस, और वो क्या है, अलग अलग सेंस को क्या कहते हैं, रिसीव करते हैं हमारे इन्वायरमेंट से, जैसे कि दर्द हो गया, कोई चीज़ चुभ रही है, ठंडा हो गया, गर्म हो गया, टच कोई कर रहा है, कोई प्रेशर दिया जा रहा है, तो उस सब चीज़ों को क्या करते हैं, सेंस करते हैं, महसूस करते हैं। और क्या है, इट एब्जॉर्ब्स ड्रग और ऑयल्स, ये ऑयल्स नहीं है, ऑयल्स हैं। और ये क्या, दवाओं को या तेल वगैरह जो भी इस पर अगर लगाया जाता है, उस पर क्रीम है, कुछ भी हम लोग मसल्स उस पर क्या मसाज कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो उसको एब्जॉर्ब भी करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से कुछ एब्जॉर्ब नहीं होता है, समझ रहे हैं। और क्या है, इट्स सीक्रेट्स सीबम, यहाँ से क्या कहते हैं, सीबम निकलता रहता है जो कि ऑयली सब्सटेंस होता है, और ये स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बना के रखता है, और यहाँ पे ये जो नाक वाला एरिया होता है यहाँ पे ज़्यादा इसका आपको दिखेगा।
और क्या होता है, रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर थ्रू स्वेट सेक्रेशन। हाँ एक चीज़ और, इसी में क्या कहते हैं, स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं जो क्या कहते हैं मतलब स्वेट यानी पसीना बनाते रहते हैं। तो इस तरीके से ये बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। जब आदमी के बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर वहाँ से क्या होता है, पसीना निकलता है। तो इस तरीके से बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज किया जाता है, कम किया जाता है। और क्या, इट कंटेंस 7-D-हाइड्रोकोलेस्टेरोल, और इसके अंदर क्या होता है, 7-D-हाइड्रोकोलेस्टेरोल होता है, और जो कि कन्वर्ट किया जाता है विटामिन डी में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आपने कई बार सुना होगा धूप की रोशनी से विटामिन डी बनता है, या धूप की रोशनी हम लोग लेते हैं तो उससे हमको विटामिन डी मिल जाती है, तो ऐसा नहीं है। धूप की क्या कहते हैं, जो धूप की रोशनी है, धूप जो है उसमें विटामिन डी वगैरह कुछ होता नहीं है, बल्कि उसकी प्रेजेंस में हमारे जो स्किन है वो विटामिन डी बनाती है। किससे बनाती है, 7-D-हाइड्रोकोलेस्टेरोल से। अगर 7-D-हाइड्रोकोलेस्टेरोल नहीं है तो चाहे आप दिन भर सूरज की रोशनी में धूप में बैठे रहो, आपका विटामिन डी नहीं बनेगा। प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अगेंस्ट क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सूरज की जो किरणें आती हैं तो उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आने के भी चांसेस रहते हैं थोड़ा बहुत, तो उससे प्रोटेक्शन मिल जाता है हमको, समझ रहे हैं। और क्या है, ये वाटर को और फैट को एब्जॉर्ब करके भी रखती है हमारी स्किन। चौथा जो क्या कहते हैं सेंस ऑर्गन है, वो हमारा टंग है। क्या है टंग, टंग के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे आप। तो ये क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, और कहाँ पे होता है, तो हमारा जो माउथ का फ्लोर है यानी फर्श जो है, ये नीचे वाला हिस्सा, तो यहाँ पे ये रहता है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वेरियस फंक्शंस, और कई सारे फंक्शन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि टेस्ट में, समझ, टेस्ट परसेप्शन यानी हम लोग कोई चीज़ खा रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है, तो उसमें ये काम करता है। बोलने में हमें हेल्प करता है, चबाते हैं हम लोग तो उसमें हेल्प करता है, खाना खा रहे हैं चबा रहे हैं कोई चीज़ ऐसे क्या है, तो उसको निगलते हैं हम लोग खाने को, सोलो करते हैं, तो उसमें ये हमको क्या करता है, हेल्प करता है जो हमारा टंग है। अब ये इसका स्ट्रक्चर आप देखिए, इसका एक स्ट्रक्चर रफली बना लीजिएगा, वैसे बहुत कम पूछता है इसके बारे में। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये दाने दाने से, इसी को पैपिले बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैपिले बोलते हैं। अब अलग अलग जगह के हिसाब से और साइज़ के हिसाब से उनके अलग अलग नाम रख दिए गए हैं। तो ये वाला एरिया में जो है ये बड़े बड़े से, इसको बोलते हैं वैलेट पैपिले, समझ रहे हैं। और ये इधर साइड में जो होते हैं इसको फोलिएट बोलते हैं, फोलिएट पैपिले बोलते हैं। और एक ये वाले जो पाए जा रहे हैं, ये वाले दिख रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं फंगी फॉर्म पैपिले। क्या बोलते हैं, फंगी फॉर्म पैपिले। और इस वाले को बोलते हैं फिलीफॉर्म पैपिले, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है वो आपको देखना है। तो टंग जो होता है, ये हमारी जो क्या कहते हैं हायोइड बोन होती है, वहाँ से कनेक्ट होता है, समझ रहे हैं। मैंने आपको दिखाया थी जो वो हड्डी, मैंने आपको दिखाया भी था, पढ़ाया जब मैंने हड्डियों के बारे में, ऑसियस सिस्टम के बारे में पढ़ाया था। तो ये जो हड्डी होती है यहाँ पे, एक हायोइड जिसको बोलते हैं, तो उस हड्डी के साथ में ये कनेक्ट होती है। हमारी जो जबान है, जो हमारी क्या कहते हैं जीभ है, टंग हैज़ ए लॉट ऑफ स्मॉल प्रोजेक्शंस, इसमें बहुत छोटे छोटे क्या, बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं। प्रोजेक्शन मतलब जैसे ये कोई चीज़ यहाँ से थोड़ी सी बाहर निकल रही है, तो वो प्रोजेक्शन होता है। जैसे कि ये क्या है, यहाँ पे छोटे छोटे से दाने जैसे निकले रहते हैं ना हमारे टंग में, तो वो क्या है, प्रोजेक्शंस हैं। और उन्हीं प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पैपिले बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैपिले बोलते हैं। दीज पैपिले हैज़ टेस्ट बड्स, और इन पैपिलेस के अंदर क्या होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं, समझ रहे हैं, जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट टेस्ट सेंसेशन, जो कि अलग अलग टाइप के जो टेस्ट होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनको पहचानने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, खट्टा मीठा नमकीन, समझ रहे हैं, जो भी अलग अलग टाइप के क्या कहते हैं टेस्ट होते हैं उनको पहचानते हैं। अब ये पूछता है कई बार, एक बार क्वेश्चन पूछा गया एक नंबर का, कि जो हमारा टंग है वहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जो टेस्ट बड्स होते हैं ना, हमने बताया टेस्ट बड्स होते हैं, उन टेस्ट बड्स के अंदर रिसेप्टर होते हैं, उन रिसेप्टर को बोला जाता है गस्टेटो या गस्टेटस रिसेप्टर्स, समझ रहे हैं, गस्टेटो या गस्टेटस रिसेप्टर्स बोला जाता है, जो कि टेस्ट बड्स के अंदर होते हैं, और असल में टेस्ट को यही डिटेक्ट करते हैं, और यहाँ से फिर नर्व जुड़ा रहता है हमारे ब्रेन तक, तो आदमी को क्या होता है, टेस्ट का एहसास होता है। अब ये कि कौन सा मतलब एरिया हमारे टंग का किस टाइप के टेस्ट को क्या कहते हैं उसका परसेप्शन मतलब हमको देता है, डिटेक्ट करता है, तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये बिटर को, समझ रहे हैं, ये यहाँ पे 5-6 हिस्सों में बांटा गया है। तो ये वाला जो एरिया होता है ये बिटर टेस्ट बताता है, ये वाले जो एरिया होते हैं, ये वाले जो एरिया हैं ये हमको खट्टा बताते हैं, ये वाला जो एरिया होता है ये हमको साल्टी बताता है नमकीन, और ये वाला जो एरिया होता है वो हमको मीठा बताता है, समझ रहे हैं। तो ये आपको इतना याद रखना, बहुत ज़्यादा इसमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, और एग्जिट एग्जाम में आपका ये सब्जेक्ट है भी नहीं। पांचवा जो सेंस ऑर्गन आपका वो है नोज। तो नोज क्या है, नोज इज ए सेंट्रली लोकेटेड ऑर्गन, ये हमारी बॉडी के सेंटर में एक ऑर्गन होता है जो लोकेटेड होता है,
समझ रहे हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर बीच में होता है। इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ स्मेल एंड हेल्प इन रिस्पायरेशन। इसके दो मेन काम होते हैं, एक तो सूंघने का काम होता है और दूसरे रिस्पायरेशन में, यानी या जो हम लोग सांस लेते हैं ब्रीदिंग में, हमको ये क्या करता है, हेल्प करता है। देयर आर टू नॉस्ट्रिल्स इन रोज, दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं दोनों साइड के, जो दो क्या कहते हैं होल है, जो सुराख है उसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं। एंड बोथ नॉस्ट्रिल हैव हेयर्स, और इसमें क्या होते हैं, दोनों वाले हमारे जो नथने हैं, दोनों जो दो होल हैं नॉस्ट्रिल्स हैं, उसमें क्या होते हैं, हेयर होते हैं। और ये हेयर क्या काम, और ये हेयर जो होते हैं ये फिल्ट्रेशन में हमको मदद देते हैं, समझ रहे। जब भी हम एयर लेते हैं तो उसमें जो पार्टिकल्स वगैरह हैं, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं या कोई भी पार्टिकल्स आते हैं, वो उसको क्या कहते हैं, अपने पास में ही रोक लेते हैं, समझ रहे हैं। तो इनका काम होता है, और हर नॉस्ट्रिल के अंदर तकरीबन 10 से 100 मिलियन रिसेप्टर्स होते हैं, समझ रहे। ये वाला जो एरिया होता है असल में, वहाँ पे होते हैं रिसेप्टर दोनों साइड में, और कितने होते हैं, तकरीबन 10 से लेकर 100 मिलियन तक हो सकते हैं, और इनको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। और यहाँ से ये क्या है, मतलब ये जो हम लोग कुछ भी सूंघते हैं तो उसको यहाँ से ये क्या कहते हैं, डिटेक्ट करते हैं, उसको पहचानते हैं और ब्रेन तक उसको भेजते हैं, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये एपिथेलियल सेल के अंदर होते हैं, इसलिए उन सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम, ठीक है ना। जहाँ पे ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर पाए जाते हैं उसको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम। अब यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा सकता है, पूछा गया है। तो एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ आई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने आपको पूरा डिटेल दिया है, वैसे आपको बता देना है कि कैसे देखते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है। उसके बाद डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी और फंक्शन ऑफ द स्किन, स्किन की फिजियोलॉजी या उसका फंक्शन पूछे तो आपको बताना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। राइट ए नोट ऑन टंग के ऊपर, ये पूछ सकता है कि टंग के ऊपर एक क्या कहते हैं नोट लिखिए या ब्रीफ नोट लिखिए। ड्रॉ ए नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ आई, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, आई का एक नीट लेबल्ड डायग्राम बनाना है। एनलिस्ट सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं, वो क्वेश्चन पूछा गया इस तरीके से। डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, कैसे हम लोग सुनते हैं उसकी फिजियोलॉजी क्या है वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 12, यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, आपको नोट्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि मैं खुद इस टाइप से नोट्स बना के लेके आता हूँ, ताकि आपको उसमें बहुत ज़्यादा काट छाट करने की ज़रूरत ना पड़े। आप उसको एज इट इज़ उतार सकते हैं, बहुत शॉर्ट है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है और बहुत सारे बच्चों के लिए हो भी चुका है। तो अगर ये हमारी मेहनत, हमारी कोशिश, हमारा ये जो स्ट्रगल है आपको अच्छा लग रहा है, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हमें सपोर्ट करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उनको सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हमारी जो वीडियोस हैं उनको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताएं, जो आपके जूनियर्स हैं उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताएं, ताकि वो भी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। इसी के साथ में मैं आगे और भी बहुत सारी चीज़ें जो एक फार्मासिस्ट के लिए हो सकती हैं, बहुत सारी बेनिफिशियल चीज़ें उसके लिए लाता रहूँगा, तो हमारे साथ बने रहिए। और जो हमारे दूसरे जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी आप क्या कहते हैं ज्वाइन कर लीजिए, उनको जाके क्या कहते हैं फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे हमारा व्हाट्सअप चैनल है, उसको आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।